हाँ भैया ध्यान दें कि मोतनी कसम खाती है और किस प्रकार पत्थर की वो भसम शिला पर खड़ी हुई है। पत्थर शिला ऊपर है मेरे पति परमेश्वर, नीचे धरनी मैया रे। रुक जा लौड़िया, रुक जा। अरे जाता का कही तूने, ऊपर है मेरे पति, पति काची उन्हें चचा तुम्हें मालूम ना है। तुम्हारी कन्याण के लिए पति और परमेश्वर बात एक है, हो देगी ताके मारे मैं कह रही हूँ पति परमेश्वर कही। अच्छा ऊपर है मेरे पति परमेश्वर, नीचे धरनी मैया रे। धरनी के ऊपर गंगा बिराजी, अरे ताके के धरनी के ऊपर ओ मेरे चचा बिराजी गंगा मैया रे। एक बछेड़ा बंधो मढ़ी में और चौथे तुम्हारी धीरिया रे। एते पाए मैं झूठ मैं बोला मैं मार दे गंगा मैया रे। खाई लई ताव की सामा उठाई लई है गंगा, अब मोतिन भैया कैसे चचा सहका भरत जवाब। किसम खाई ली है ऐसा कर, अब पत्थर शिला से निकल करके चलो मरी में चलते हैं। उनने कतई ना चचा आज आप कौल करार कर दो कि आज के बाद हम तुमको जिंदा छोड़ के जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों उस गुमा सुरदानी ने कौल करार कर दिए कि आज के बाद हम तुमको कभी भी मार के नहीं जाएंगे, जिंदा ही मरी में रखेंगे। तब कसम लेने के बाद दोनों प्राणी जब पहुंच जाते हैं तो राजा गुमा सुरदानी जो है वो कहता है कि अब मैं सोऊंगा, तो मढ़ी में जब ही आराम करने के लिए लेटता है और मोतनी को ऑर्डर देता है कि हे बेटी मेरे शरीर को खून दो। तो जब खूनती है शरीर तो राजा नल को मानुष बना लेती है, और जब राजा नल को मानुष बना लेती है जब चार पाए लगे तो राजा नल के वजन से आज गुमा सुरदानी दबा जाता है। तो कहने लगो लौड़िया आज बहुत वजन मालूम पत्र तो मैं चार पाए कैसे लगा थे। उनने बात ऐसी है पिताजी मेरे वीर महमदा है वो बै ऊपर का नाम तुम्हारे खूनत फिर है वो तुम्हें चार पाए ताई मालूम पर तुमने ऐसे तो ना सारे कहूं धीरे भिल्लड़ बांधे पड़े हुए। उन्हें कतई ना चचा सो कोई बात ना, जैसे पलता लाओ तैसे राजनल को फिर बने गड़ पर डुकाई लाओ। मेरे प्यारे भाइयों इस प्रकार से जब काफी समय बीत गया और जब घुमा सुरदानी लखिया बन को चलने के लिए तैयार होता है, तब आप देखें इधर किस प्रकार मोतनी जो है अपने चाचा से कहती है कि हे चाचा बात सुनो, क्योंकि राजनल ने यह बात कह दी थी पहले ही कि हे मोतनी आज अपने चाचा से कान पूछ लेना। तो ध्यान दे तो राजनल के कहने पर आज अपने पिता का काल पूछ रही है। किस प्रकार पूछ रही है, ए चाचा तुमको तो 12 बरस हो गई है मुझको लाए, थोड़ी कमी है, आप मुझको मार के डाल जाते थे, आपसे आप जिंदा छोड़ के जाएंगे, आप अपना काल बतला दीजिए मुझको, अगर तुमको कोई मार देगा तो मुझे पता कैसे चलेगा। गुमा सुरदानी कहने लगा है बेटी आज तक तूने मेरा काल नहीं पूछा, अब क्या कारण है जो तुम मेरा काल पूछ रही है। उन्हें नहीं चाचा आप बतलाओ जरूर, तो देखें आप ज्यादा पर हवा कौन बढ़ावे, ज्यादा कौन करे बकवास, और आला ढोला को दिमाग चाहिए जैसे के मठा बढ़ा उनको जल चाहिए मेरे राम। ए मेरे प्यारे भाइयों अब जो है गुमा सुरदानी आप काल बतलाता है ध्यान में। राजा नल के कहने पर मोतनी ने काल पूछा तो अब गुमा सुरदानी बतला रहा है के सात समुंदर बीच लली एक अखय बरी को पेड़ो रे। काल सुन ले आप दानी का, सात समुंदर बीच लली एक अखय बरी को पेड़ो रे। अरे पात पात पै बिच्छू बरैया डाल पे सर पपौनिया रे। आओ साढ़े सात सौ दानी पहरे पै सुन ले मेरी धीरिया रे। ता पेड़े पै एक सुनाओ मेरी मोती ने टंगी पिंजरिया रे। बाप पिंजरी के बीच बंद एक सुन ले लली बगुलिया रे। बाप बगुली के पेट में मोती ने सुन ले है एक भौरिया रे। बाई भावरी मैं लल्ली काल हमारो बसिरो। अरे तो कोई जग दुनिया मैं मौका मर भैया ना। कौ दुनिया में उन्हें चचा काल तो तुम्हारो सुन लगे का तुम्हारो मानने वालों कौन सो तो बताए दे। उन्हें अब तो कोई है ही नहीं मारने वाला, उन्हें ना मेरे चचा बताए दे तो उन्हें चा सुन ले। आओ अजय नगर में एक अजय पाल राजा,
अरे ताकी बेटी दुई मंजा संजा होएंगी ब्याहे आमाएंगी नरबर धाम। बा उस राजा प्रथम और रानी मंजा से जो औलाद पैदा होगी उसके हाथ से मेरा काल है, लेकिन राजा प्रथम ने तो मंजावती को मरवा दिया है जल्लादों के हाथ से, अब तो हमको कोई मारने वाला ही नहीं है। लेकिन राजा ने खोपड़ी बैठे मौत नहीं सुने उन्हें जाऊ तो हमारे ही अम्मा बप्पा को नाम ले दानी और बीसो बीसे हमारी से जाको काल हुए उन्हें मोतनी ढील दे। अब देखो कुलबलाल लागे उन्हें ढील तो दे तो ये सारे को मात डाल। जब ऐसी बात कही राजा ने मोतनी का हाथ डाली जाओ चुप्पा बैठे रहा उन्हें गुलचुआ मारा हूँ मैं चुप्पा बैठे रहा तुम्हें मालूम ना ये चच्चा खंड रे तुम्हें भैया देखकर ढील ले कतई। आओ काल बताए के बगुमा सुर दानी चलो गाओ लखिया भन गवार। सोई सुना भैया जी अरे इतमाए मोतिनी न नल बल माताओ मानुष बना लाओ तब नाला सिंह बोला तबानी जी। सोई पाटा रानी री अरे थोरो नीर मेरी रानी प्याय देओ तानी मगाल हमाए बड़े जोर से प्यास लगी है जी। पानी पिला दो और गंगा की धार जो समंदर में बह रही है वहां का पानी पीऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों मोतरी तो पानी लेने के लिए जाती है और इधर राजा नल ने क्या काम करा वहां तीन कोठरी बनी हुई है। चाबी का गुच्छा उठाया और पहली कोठरी खोल दी तो क्या देखते हैं कि सर्प मंधारी बड़ा ही अजगर सांप वो मुंह फैला के सामने वो दौड़ता है। जब दौड़ा तो राजा नल ने कहा भैया तुम मुझको क्यों खाने को आए रहे हो। उन्हें खाने को नहीं आए रहे हम तो तुम्हारे पांव छूने को आए रहे हैं। राजा नल 12 वर्ष हो गई है तुम्हारे ही कारण इस गुमा सुरदानी ने मुझको कैद कर रखा था। ये मेरे भैया आज तुम आए हो तुम्हारे हमने बहुत इंतजार किया है तुम्हारा और आज मेरी कैद कट गई है। एक काम का ध्यान रखना मैं तो यहां से चला ही जाऊंगा लेकिन इतना ध्यान रहे तुम्हें ए राजा नल। आओ जिस दिन बखा तो पड़े मेरे भैया आओ मौका लियाओ दुनिया में जुहार। अरे दीपति मैं तुम्हारे सनी पी हुई के कष्ट तेरो हम कुछ लेंगे बाज। सड़प तो चला गया। जब दूसरी कुठरिया को खोला है राजा नल ने तो खोपड़ी वहां पर टंगी हुई है मार मार कर जितने भी वहां राजा महाराजा पहुंचे सबको मार के खाया गया है दानी और खोपड़ियों को वहीं पर टांग रखा है। आज वही खोपड़िया देखकर राजा नल को पहले हंसती हैं फिर रोती हैं। राजा नल ने कहा खोपड़ियों तुम मुझको देखकर पहले हंसी फिर रोई इसका मतलब क्या है। तो देखो किस प्रकार वो कहती हैं कि हंसे तो हम इसलिए कि आज हमारा खानदान बढ़ गया है और रोए हैं इसलिए कि आओ आओ तुम्हारी मैया न तुमका जन्म हो है तुम्हारी ही तरह हम भी किसी माँ के लाल थे यहाँ पर मोतनी से शादी करने के लिए आए इस गुमा सुरदानी ने मुझको मार के खाए लिया और खोपड़ियों को यहाँ टांग दिया है। रो इसलिए रहे हैं कि ना मालूम तुम किस माँ बाप के लाल हो और गुमा सुरदानी अभी आएगा तुमको मार के खाया जाएगा और हमने खोपड़िया टांग देगा मिला करके इसलिए हम रो रहे हैं और कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए अमृत लेकर के आऊंगा और गुमा सुरदानी का कत्ल कर दूंगा ब्याह करके मोतनी को भी ले जाऊंगा कतई फिक्र ना करो। जब तीसरी कोठरी को खोलता है तो वहां पर श्याम कर्ण नाम का एक जल दरियाई घोड़ा वो हिनहिना पड़ता है और कहता है हे राजा नल 12 वर्ष से हो गई है राजा इंद्र के यहां से मुझको चुरा करके ये गुमा सुरदानी इसी वास्ते लाया था कि कभी भी मैं तुम्हारी सवारी न दे सकूं। आज तुम आए हो तो इसलिए जल्दी देर न करो और मेरी पीठ पर सवार हो और पोशाकें पहन लो। कई बादशाही पोशाक पहनी ली जो वहां पर टंगी हुई थी और सत्यधार का तेगा यानी तलवार वो भी उतार ली और घोड़े पर सवार होकर के और तैयार खड़े होते हैं। जैसे ही धौरा के ऊपर वैसे ही क्या देखते हैं कि मोतनी पानी भर करके आई गई और कहने लगी महाराज आपने ये क्या किया आपने कोठरियों को बेकार खोला है। उन्होंने कहा नहीं अब मैं तेरे चाचा का काल लेकर के आऊंगा जहां पर तेरे चाचा ने काल बतलाया है चूंकि तूने मुझको बतला ही दिया है और उस काल को मैं लेकर के आऊंगा। आओ चोरी चोरा बला मलाए चली आओ आओ ऐसो ना कोई जगह दुनिया में जो चाचा मेरे को ले आवे काल। देखिए ये कहानी मैंने बहुत ही संक्षेप में कही है लेकिन हर बात पूरी है। ध्यान दें आप जब मोतरी ने काल बतलाया था राजा नल को तभी उसको जोश आया है और इसी वास्ते आज घोड़े पर सवार होकर के और जाता है। तो मोतरी ने कहा हे पति महाराज आप
जा तो रहे हैं लेकिन जल्दी आना है। उन्होंने कहा ठीक है तुम यहीं मेरा इंतजार करो और मैं जाता हूँ। कई घोड़ा उड़ाए दो आसमान में, अब आरा रा रा सारा रा रा उड़ाता बछेड़ा, देखाओ बछेड़ा आसमान में मार राय, अरे एक पैर में बाने बांधी पूरवाई, एक मैं बांध लाओ है पछे आओ आसमान में भैया घोड़ा उड़त है, पहुंच गाओ भी कथा बनिया मैं जाए। सोई सुना भैया जी अरे बिकट बनी के किनारे समुंदर जी के किनारे, देखता है आगे जब चलते चलते पहुंच गया उस अड्डे पर तो आगे समंदर ही समंदर है और वहीं पर बिकट बनी बनबेहड़ झाड़ी खत्म होती है। तो उसी पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, वहां पर नीचे घोड़े को बांध देता है अपने आप सो जाता है। तो क्या देखता है कि हंस और हंसनी का एक जोड़ा वहां रहता है। हंस हंसनी तो चूंगा चरने के लिए गए हैं लेकिन उसके बच्चे वहां पर हैं। आज एक सर्पमंधारी जैसे ही उसके बच्चे को खाने चढ़ता है पेड़ पर तो घोड़ा ही नहलाता है, राजा नल की आंख खुलती है। राजा नल ने उस सर्प को मार के अपने सिरहाने ढाल के नीचे रख लिया और फिर सो गए। इतने में शाम का वक्त होता है जब वो हंस और हंसनी लौट कर वापस आते हैं। उन्होंने देखा और आपस में सलाह की कि हे पति महाराज हंस जी, मुझे मालूम पड़ता है कितनी बार हमने आपने बच्चे रखे और हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे यानी इसी पापी हरामजादे ने मार डाले हैं। आज चोर पकड़ गया, ऐसा काम करो मैं बच्चों को चूंगा दूंगी और तुम जाओ एक पत्थर की शिला लेकर आओ इसके ऊपर डाल दो। जब ऐसा कहा हंस तो पत्थर की शिला लेकर के आते हैं, इधर हंसनी है बच्चों को चूंगा देती है, लेकिन बच्चे भगवान से दुआ करते हैं कि हे मालिक मेरी जुबान अगर खुल जाए तो इस परदेशी की जान बच जाएगी, चूंकि इस परदेशी ने हमको बचाया है और माता पिता की समझ में ये बात नहीं आई है, परदेशी को हमारे पिताजी पत्थर की शिला डालकर मार डालेंगे और इनका दुश्मन तो असली जो है वो सर्प है जो कि इस परदेशी ने ही मारा है। तब ऐसी कृपा हुई गई नारायण की, आओ बच्चन की तो तब जिभ्या खुली गई, आओ तब है बच्चा का हाथ हंसनी सहे, तुम पहले चूंगा मैया जाए खवाए दे बाद के हमें खवैया। सोई मेरी मैयारी अरे जा परदेसी ने जान बचाए दई ओ महतारी, तुम जाए सिरे हाने जाके देख ले जी। हंसनी ने देखा जाकर के राजा नल के सिरहाने तो बाकी सर पे एक मरा हुआ पड़ा है जिसके तीन गहने हैं। तब तक हंस जी आएगा तो हंसनी उड़ी और कहा महाराज पत्थर मत डाल देना, यही तो हमारा तुम्हारा एक बच्चों की जान बचाने वाला है, ये परदेसी मारने वाला तो इस सर्प इसके सिरहाने है जो इसने मार के रख लिया है, घोड़ा भी हिनहिना रहा था बराबर। तो हंस जी ने उस पत्थर की शिला को तो अलग डाल दिया, जब देखा तो बाकी, तब राजा नल की आंख खुलती है। राजा नल कहते हैं कि भाई तुम्हारे बच्चे को ये मारने जा रहा था सर्प, मैंने इसको मार दिया है और अब मैं जा रहा हूँ। इधर हंस हंसनी कहते हैं थोरो भोजन तुम जल्दी से कर ले। हंसनी दौड़ी और एक पनिहारी का घड़ा जल का भरा हुआ ले आई छीन कर। हंस जी दौड़े एक हलवाई की दुकान से मिठाई का थाल उठा लाए। मेरे प्यारे भाइयों जब राजनल को खिलाते हैं राजनल नहीं खाते हैं, कहते हैं कि जब तक मैं देखिए पुरिया तुम्हारी छुरिया मोकव हुई गई दुधवा भय है रक्त की धार, अरे जब लाओ काल ना मिले दानी को आओ तब लाओ पानी पियो मैना। हंस जी ने कहा ठीक है अगर से तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, हम खाए रहे किसम उठाए रहे गंगा, आओ हम कौ मार दे भगवती माए। देखिए तुमको हम कॉल करार करते हैं कि हम घूमा सुल्तानी का काल मिला देंगे, तुम दाना पानी करो। तब राजा नल ने थोड़ा सा मीठा खाया पानी पिया और एक शर्त रखी वहां पर हंस और हंसनी ने कि देखो भाई हम तीन उड़ान उड़ेंगे उस पेड़ पर, अखैबर का जो पेड़ है सात समंदर की घाटी में, हम तीन उड़ान भरेंगे, अगर तीन उड़ान में तुमने उस पिंजरिया को तोड़ लिया तब तो भाई तुम्हारी जीत है, फिर हमारी कोई बात नहीं रहेगी। राजा नल ने कहा ठीक तुम तीन उड़ान भरना और उस पिंजरिया के ही पास से निकलना और मैं उतार लूंगा। आप ध्यान में
ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावा ज्यादा कौन करे बकवास। और हंस की पीठ पर बैठ गए राजा नल और हंसनी ने ऊपर से छाया कर दिया और घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया। मेरे प्यारे भाइयों, हंस पर बैठ करके अब हंस जी ने जो उड़ान भरी है हंसनी छाया करे है, तो देखें अब किस प्रकार बगुलिया वही पिंजड़िया को राजा नल जो है घुमा सुख के काल को लाएंगे। ध्यान दें आप। अरे हाल बता मैं मेरे ओ तब ढुलकिया, अरे अररा सररर हंसा उड़ते जाए रे, आओ जैसे हंसा उड़त है अंबर में मेरी ध्यान रे देना किया बात। आओ पहली उड़ान भारी है हंसन उन्हें, आओ तब हूँ कह पिंजरिया मिली है नाय, अरे दूसरी उड़ान भारी हंसा नय पिंजरिया तब हूँ मिली पाई नाय। आओ तब है हंस जी बोलन लागे, ए राजा नल सुन लो अगर तीसरी बार बाकी है मैं एक ही उड़ान उड़ूंगा, अगर तुमने अब ना पिंजरिया ले पाई तो हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। मेरे प्यारे भाइयों, तीसरी उड़ान को जब उड़ते हैं हंस लोग तो आते हैं क्या होता है, अरे तीसरी उड़ान जब भारी है हंसन नय आओ नल नय करे है कौन से काम, जैसे ही हंसा पहुंचे है पेड़े ढींग तैसे ही राजा नल सतर्क हुई जाए, जैसे पहुंचो हंसा है पिंजरी ढींग झपट के पिंजरिया तो यार। अरे मच गई खलबली है दानी नुमाय जी, काऊ चोर न है पिंजरिया तो जी, अरे माथो चनकी गौ है भूमा सुर को जी, मेरो काल आज काऊ ने तोरो जी। आओ पीछे सब दानी सब दौड़ी पर हंसी काल को लेकर के राजा नल के सहित भाग पड़ते हैं उसी जगह पर जहां पर उनका अड्डा है उसी जगह पहुंचते हैं। और इधर पीछे पीछे बिच्छू बर्रैया नाग पाउनिया सब पीछे पीछे नल के भाजे, अरे इतमय साढ़े सात सौदानी देउताओ सब पीछे तो दौड़े, भैया गुमा सुर संग मह भाज तो आए अब हंसा को पकड़ पाओ कोई नाय। जाकर के हंस जी ने क्या काम किया, अपने अड्डे पर अपने पेड़ पर जाकर राजनल को छोड़ दिया, कहा भाग जाइए। राजनल घोड़े की पीठ पर बैठ करके और काल को गुमासुर के काल को लेकर और कहां जाकर के पहुंचते हैं दानीगढ़ में। इधर से तमाम दानी सब गुमासुर सहित पहुंच जाते हैं पीछे। तब मोटी ने देखा कहा महाराज एक काम करो, मेरा चच्चा बहुत ही बलवान है, आप इसको ऐसे मत करो आ गया तो एकदम से तुमको नष्ट कर देगा, इसलिए एक काम करो तुम टांग तोड़ देव एक बबुला की, मेरे पिता का ख्याल मत करें आप, फौरन एक टांग तोड़ दीजिए। कई टांग तोड़ गई एक राजा नल में, बगुलिया हाथ में है, उस बगुलिया में ही प्राण है उस गुमासुर का। जो ही बगुलिया की टांग तोड़ी उधर गुमासुर की टांग टूट गई, इधर जब दूसरी टांग तोड़ते हैं तो उधर गुमासुर की दूसरी टांग टूट गई, फिर भी गुमासुर दानी बराबर बढ़ता लुढ़कता पलटता चला आ रहा है। फिर एक बाही तोड़ दी दूसरी भी बाह, जब बिल्कुल हाथ पैर तोड़ दिए फिर भी लुढ़कता पलटता हुआ दानी अपनी बेटी मोतनी के पास पहुंचा और कहने लगा ये बेटी मैं समझ गया हूँ कि आज इसक बुरो जंजाल इसक मैं मर गई दुनियादारी रे, अब इसक लाग गौ है मौत इनको चच्चा को मुड़ कटाई रही रे, ऐसी खसमासी मेरी फिरिया हुई गई लली तुम चच्चा को कटाए रही मुड़। मेरी बिटिया अगर हम मर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मार तो देगी ही तुम, लेकिन मरते समय जब दामाद के मुंह पैर तो छुआइए देव, तो मोतनी को तरस लागे लागो कि हो कोई बात नहीं लागो पाँच छुआइए देव, लेकिन एक काम करियो चच्चा दगा मत करियो मेरे संग, उन्हें कतई ना ललो दगा ना करें। तो जैसे ही गुमा सुरदानी के ढींगे पहुंचे ऐसी फूक मारी गुमा सुरदानी ने कि राजा ने ऊपर का उड़ी है और बाकी चालाकी जाही जैसे सारो नीचे गए तैसे ही लीन ले,
ऐसी चालाकी से गुमा सुल्तानी ने ऊपर का उड़ाए दो। मेरे प्यारे भाई और राज अमल जैसे ही नीचे को आते हैं तो आप ध्यान दें कि मोतनी ने देखी, अरे चच्चा ने तो मुंह फैलाए दो। तई फौरन मोतनी ने पढ़ के पांच वीर मारे और महंदा को आगे बढ़ा दिया तो राज अमल को फौरन रोक लो। अब कहान लगी सुनाओ। ओ मेरे चाचा मरती समय तुम दगाया बकरी रहे संग हमारे नाय प्राणी तुम्हारी बचाई थी। सोई मेरे चाचा जी, ए चाचा बच तो तुम वैसे भी नहीं सकते हो, लेकिन तुमने अभी दगा जो कर रहे थे ये अच्छा नहीं कर रहे थे। मोतनी कहन लगी, एक बात है पति महाराज सुन ले चच्चा को तुम्हें। हाँ ध्यान दे मेरी तरफ पास साहब। हाँ भैया मजीरा मास्टर आपका बराबर ठेका लगना चाहिए, काय देगा सिगरेट बाद में। ए भैया राजा नर से मोतनी कहने लगी कि हे पति महाराज मैं चाचा को आज मरवा रही हूँ तुम्हारे इश्क में, तुमको अपना पति मानकर, लेकिन एक बात का ध्यान रहे आपको। अरे संग मैं दगा मत बलमा करिया मेरे सजना तुम कह रही समझाए, अरे जो कहूँ दगा बलम तुम नहीं कर दई तो हो जाएगी दुई तो बात। सोई मेरी रानी री आओ जिंदा रहे हैं तो संग ना छोड़े, ओ मेरी रानी मरी गए तो अंधेरा नहीं। आओ तब है कौल करार जब कर ले आओ तब है गुमा सुर की भेंट आई की दई। ए भैया गुमा सुर की जब भेंट ऐठी है तो उसकी आत्मा ने क्या बद्दुआ दी है। ए मोतनी तू मुझको मार रही है, मरते समय उस गुमा सुर दानी ने बद्दुआ दी अपनी बेटी मोतनी को। तुरी साथ जला मलाओ बांझ रहाएगी संचत को मुख देखेगी नाय, सात जन्म तक तेरे कोई औलाद नहीं होगी। ये वरदान बद्दुआ दी है उसने गुमा सुल्तानी ने अपनी बेटी मोतनी को। आओ जब का बद्दुआ सुनी मोतनी ने आओ तुम तो बलमा जल्दी से मार दे, जो जो मेरे चाचा कह देंगे इस समय वो बात सही होगी, इसलिए हे पति महाराज मेरे चाचा को अब खपनी कर दीजिए आप। तई घेट आई थी दई गुमा सुर की, बबुलिया की जब घेट आई थी तो दानी की घेट खुद ही आई थी। दानी को डारो जान से मार, ए मेरे प्यारे भाइयों गुना सुर को जान से खत्म कर दिया। तब वहां पर माता माता शारदा और देवी देवता सब इकट्ठे हुए हैं। अब वहां पर जब भामरे पड़ गई तो भामरे पड़ती हैं तो वहां पर बन्ना बन्नी गाए जाते हैं। आप ध्यान दे बन्ना बन्नी गाए जाते हैं किस प्रकार से माता और सभी देवी देवता शादी करवाते हैं राजमहल की। हाल बतावे तुम्हें समझावे मेरी ध्यान देने की बात, अब बन्नी बन्ना होत हुआ पे और भैया दानिमगढ़ के निधाम। हाँ अरे घबा रही जाओ मती बन्ना मैं तो निहारी रहूंगी, मती बन्ना मैं तो न्यारी रहूंगी, घबा रही जाओ मती बन्ना मैं तो न्यारी रहूंगी। दुआरे डारूंगी तेरी दादी से दो दो जवाब करूंगी, तेरी दादी से दो दो जवाब, दादी ज्यादा बोलेगी गलौआ चीर डारूंगी। अरे उसके लहंगे के टुकड़े हजार करूंगी, खबर जब तेरे जीजा की खटिया दुआरे डारूंगी, तेरे जीजा की खटिया मैं दुआरे डारूंगी, और तेरी जिज्जी से दो दो जवाब करूंगी।
टुकड़े हजार करूंगी, घबरिया मती बनना मैं तो नारी रहूंगी, तेरे भैया की खटिया मैं द्वारे गारूंगी, तेरी भाभी से दो दो जवाब करूंगी, भाभी ज्यादा बोलेगी गलौआ चीर डालूंगी, अरे उसके ब्लाउज के टुकड़े हजार करूंगी, बन्ना मैं तो न्यारी रहूंगी। हे भैया, इस प्रकार वहाँ पर तमाम बन्ना बन्नी सब कुछ हुए, राजा नल का विवाह हो गया था, तो घोड़े पर सवार होकर के आज राजा नल और रानी मोटनी जैसे ही तैयार होकर के चलते हैं, तो राजा नल कहाँ, आज जहाँ पर के जहाजन पर उसके मामा हैं, वहीं जहाँ पर जहाज रुके हुए हैं शहर अमरीका के किनारे, आज वहीं पर घोड़ा लेकर के और जब चल देता है तो आप देखें क्या बात होती है। ध्यान दें आप, कसम खाती है और किस प्रकार पत्थर की वो भसम शिला पर खड़ी हुई है, पत्थर शिला ऊपर है मेरे पति परमेश्वर।